An Academy. Let's crack it. Hi Ashna ji, welcome to An Academy. Thank you so much. दो बार आपका prelims नहीं हो पाया एंड देन रैंक 116. तो कैसा एकदम से क्या आपने इतनी स्ट्रैटेजाइज किया था कि एकदम से कि 116 रैंक आ गया? इस स्ट्रैटेजी में 3 साल लग गए. अच्छा. तो हाँ, मैंने मीन्स मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था. मुझे पता था कि प्रिलिम्स एक रोड ब्लॉक होगा मेरे लिए, तो मुझे प्रिलिम्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा. तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जिस भी अटेम्प्ट में मैं प्रिलिम्स क्लियर करूँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर कर ये रैंक हासिल कर पाऊँ, जिससे मुझे प्रिलिम्स दोबारा ना देना पड़े. तो एक प्रिलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसे मैं हमेशा से ड्रेड करती हुई आई थी. तो इस बार मैंने जो मेजर अपना चंक ऑफ अटेंशन दिया वो प्रिलिम्स को ही दिया, क्योंकि मेंस मैं पहले से तैयार कर चुकी थी और इंटरव्यू भी लगभग मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू को लेकर भी. तो इस बार मेरा मेजर फोकस प्रिलिम्स पर ही रहा. तो जैसे कि आपने दो बार प्रिलिम्स दिया था और फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार दो बार दिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाया तो चलो छोड़ो या नहीं हो पाएगा या दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं ऑफ कोर्स जब दो बार नहीं हो पाता. सो ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में? बिल्कुल. ये जब मैं फर्स्ट प्रिलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी तब मुझे लगा था कि शायद मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी में ले लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए. बट वो एक मोमेंट्री थॉट था, वो टेम्प्ररी था. उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से रिविजिट किया, मैंने देखा कि मैं कहाँ पर लैक कर रही हूँ, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है और फिर मैंने एक और ईयर अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर दी. और जब मैंने ये सब कुछ किया उसके बाद जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में प्रिलिम्स नहीं कर पाई तो मैं बहुत क्लोज आकर रह गई थी. तो शायद 2-2.5 मार्क्स के मार्जिन से मैं प्रिलिम्स क्लियर नहीं कर पाई. उसे मैंने एज अ फेलियर नहीं देखा, उसे मैंने एज एन इम्प्रूवमेंट देखा कंपेयर टू माई प्रीवियस अटैम्प्ट. तो मुझे लगता है कि शायद ये एक पॉजिटिव थिंकिंग थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है आज. ठीक है आशना जी, जैसे बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको स्टेज वाइज कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे, जैसे प्रीलिम्स में क्या ध्यान रखें या मेंस में एंड देन इंटरव्यू, तो वो प्लीज़ बताइए. मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ये तीनों जो स्टेजेस हैं वो इंटीग्रेटेड हैं और इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी इनमें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. आप प्रिपरेशन साइलोज में नहीं कर सकते हैं. तो प्रिलिम्स के लिए आई वुड से कि करंट ओरिएंटेड होना आपको बहुत ज़रूरी है स्टैटिक के साथ साथ, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो काफ़ी करंट अफेयर्स से आ रहे हैं. तो आपको करंट अफेयर्स पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. मेंस में भी मैं कहूँगी कि करंट और स्टैटिक को दोनों को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है. और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कीमेटिक्स अगर आप बनाने का डिसीजन ले चुके हैं तो आपको स्कीमेटिक्स को अपना थोड़ा सा स्कीमेटिक्स फ्लो चार्ट डायग्राम्स इन सबको थोड़ा सा और रिफाइन करना होगा, तो उसकी भी प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए. और इंटरव्यू अगेन उसमें आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है, तो आपको थोड़ा सा अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिफाइन करने की ज़रूरत होती है इंटरव्यू प्रोसेस में. हाउएवर ये तीनों में जो नॉलेज एक्विजिशन वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा. एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है कि जैसे आप ट्रैवल करते थे तो करंट अफेयर्स पर तो ऑफकोर्स आपको अपडेटेड रहना ही होता था, दिस इज समथिंग जो एस्पिरेंट रहता है, तो वो कैसे करते थे आप? मैं न्यूज़पेपर्स रखवा लेती थी घर पर. तो मेरा आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता था कि मैं एक डे का ब्रेक लेती थी और उसमें जो 5-6 दिन के न्यूज़पेपर्स जो मैंने रखवाए हुए होते थे उनको जल्दी से स्किम थ्रू करती थी. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेडिकली डिफरेंट चीज़ आई होती थी तो वो मैं वहाँ से पिक ऑन कर लेती थी. सो वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता था? मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट लगता था, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक है आप पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपका माइंड ही बहुत हेल्दी फील नहीं कर रहा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक कॉन्स्टेंट चैलेंज था मेरे लिए और वो मैं हर 5-6 मंथ्स में वाया ट्रैवल उसको मैनेज करने का ट्राई करती थी. डेली बेसिस पर मैं मेडिटेशन और योगा से उसको बैलेंस करने का ट्राई करती थी. तो मेरी एक अप्रोच रही है थ्रू आउट कि ठीक है अगर मैं आज के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई हूँ बट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय फिजिकल फिटनेस, माय मेंटल हेल्थ, दैट आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन. ओके. सो जैसे बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये जो मैं जैसे आपने बोला स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी
ये बहुत ही कॉमन चीज़ है. तो बाकी के एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि इनसे दूर रहें, या कैसे डी स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो तो उससे कैसे ओवरकम हो? मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी चाहिए, जिस जो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने में हेल्प करती है, और अपने जो स्टडी गोल्स हैं उनमें अपने फिटनेस गोल्स को खोने ना दें. आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसको हमेशा याद रखिए. तो इसलिए अपनी फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान दीजिए और अपनी एक हॉबी परस्यू करने में भी इतना ही ध्यान दीजिए. जैसे आशना जी ने बिल्कुल ध्यान दिया हुआ, वी कैन सी दैट. ओके, सो अनअकैडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या आपने अनअकैडमी के वीडियोस क्या आपने मतलब देखा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन अनअकैडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है. इनफैक्ट जो मैं करंट अफेयर्स जिस पर मैं इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो मेरी करंट अफेयर्स में जो एक सीरीज थी वो थी T20 सीरीज, जो आपकी फ्री 20 डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज है. तो उसको मैंने डेली फॉलो किया है और वहाँ से मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के अपने फैक्ट्स उठाए हैं. तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी मैं आप लोगों का पार्ट थी, एंड वहाँ से भी मुझे कॉन्फिडेंस गेन करने में काफ़ी हेल्प मिली है. थैंक यू सो मच आशना जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. सेम, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.